अब मैं आपको विद्यार्थियों के लिए लाभकारी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करवाएंगे। तो दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए, बहुत अच्छा, दोनों हाथ उठा लिए आप लोग। अब दोनों हाथ, हथेली का जो अंगूठा है आपका हाथ का, कान का जो पर्दा दिख रहा है ना ये वाला ढक्कन, इस पे रखना है दोनों तरफ से, बहुत अच्छा। दाहिना अंगूठा दाहिने कान पर और बायां वाला बाएं कान पर। अब तर्जनी को ललाट के मध्य में रखेंगे, तर्जनी अंगूठा के बगल की उंगली को यहाँ पे रख लिया ललाट के ऊपर, और बाकी तीनों उंगली को मुड़ करके आंख पे रख लेंगे, धीरे से दबाना नहीं है। अब मुंह बंद कर लेंगे और नाक से सांस भर के तीन बार भौरे जैसा गुंजन करना है, जैसे ऐसे करना है। तो आइए अब इसका एक बार प्रैक्टिस करते हैं, तीन बार बोलेंगे। आंख बंद कर लीजिए, लंबा गहरा सांस भरिए, और धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरते हुए आंखों को खोलिए। बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। जब हम तीन बार भौरे जैसा गुंजन कर रहे थे ओंकार का, तो हमारे मस्तिष्क में माथे के अंदर लग रहा होगा ना कोई तरंग उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लग रहा, वाइब्रेशन जैसा लग रहा था। तो ये जब वाइब्रेट करते हैं भीतर में ओम के ध्वनि से, तो हमारे भीतर जितने प्रकार के विकार होते हैं, जो टॉक्सिन्स, जो हमारे विजातीय तत्व होते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी नहीं होते हैं, वो सारे धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और हमारा दिमाग खाली हो जाता है, और जब पढ़ते हैं तो याद होता है। समझ में आ गया? तो ये दो अभ्यास बच्चों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। अब मैं आपको आसन के दो अभ्यास बता करके कार्यक्रम को विराम कर देंगे।